हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको देखिए यहाँ पे एयरफोर्स एक्स वाई, देखिए एयरफोर्स एक्स वाई बहुत करीब मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश का पिछले साल का पेपर कराऊंगा। ये पीडीएफ और क्वेश्चन पेपर तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये कि यहाँ पे मैंने सब आपको क्वेश्चन लिए, फिलिंग द ब्लैक्स, वन वर्ड, आइडियम फ्रोज, एंटोनियम, सैनोनियम और एक्टिव पेसो, सब क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए। अब ये बात ध्यान रखिएगा, एक सेकंड के रुक जाइएगा, यहाँ पे मैंने 16 क्वेश्चन लिए हैं, पैसेज नहीं लिए थे, ठीक है। पैसेज नहीं लिए 16 क्वेश्चन में, 16 में आपको कितने मार्क्स आते कमेंट पर जरूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर इन चारों को सबको डिस्कस करते चलूँगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पहली बात तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड क्वेश्चन पेपर है। ये थोड़ा हार्ड भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा केवल हार्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ हो सके तो 16 में से स्कोर जरूर बताइएगा। और आप लोग वीडियो लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए लिखा है, छठा नंबर क्वेश्चन है, मोहन सेट टू मी लेट अस सिंग टुगेदर। सबसे पहली बात तो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो उनको लिखते रहिएगा। ये क्या होता है, इधर जो लिखा रहता है वो आपका रिपोर्टेड क्या होता है, रिपोर्ट, ये क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये आपका क्या होता है, ये जो लिखा होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है, ठीक है। अब जब रिपोर्टिंग स्पीच का यदि पहला शब्द लेट से स्टार्ट होता है, LET लेट से स्टार्ट होता है, तो उसमें सेट टू के स्थान पर क्या रखते हैं, सेट टू के स्थान पर प्रपोस्ट यूज करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, प्रपोस्ट या सजेस्टेड लगाते हैं, ठीक है, सजेस्टेड लगाते हैं। तो यहाँ पे सजेस्टेड तो है ना, जो पॉजिटिव की बात है, प्रपोस्ट, तो यहाँ पे ये दोनों तो कट गए। अब या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा, इतना तो आपको समझ में आ गया। लेकिन ये बताइए कि अस को किस में चेंज करते हैं, अस को हमेशा किस में चेंज करते हैं, तो उसको तो वी में चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पे वी होना चाहिए राइट ऑप्शन। अब इसमें आपको आ गया होगा, अब ये देखिए विथ हिम कहाँ से आ गए इसमें, जब टुगेदर केवल लिखा तो विथ कहाँ से आ गए, हिम कैसे, वैसे भी गलत हो गया, ये तीसरा ऑप्शन राइट हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, पिछले साल का पेपर ये है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अब क्यों इंपॉर्टेंट, अभी सब पता चल जाएगा आपको, ठीक, क्योंकि इसमें मैंने आपको यहाँ पर चल जाएगा, जैसे कॉन्सेप्ट बहुत सारे इसमें छिपे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे तभी 16 में अच्छे खासे आप इसमें 12 नंबर ला सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे 16 में 12 ला सकते हैं आराम से, ठीक है। ये कि 10 प्लस तो आने चाहिए आपके कम से कम, ठीक है, बताइएगा स्कोर जितना होता है, ठीक है, कम आते तो कोई बात नहीं। देखिए, ही सेड टू मी थैंक यू, जब ऐसी शब्द आते हैं जिसमें मतलब कि शिष्टाचार को दर्शाते हैं, तो वहाँ पर हमेशा क्या करते हैं, सेट टू के स्थान पर कुछ नहीं लगाते हैं, सब सीधी सीधी बातें ही लगा देते हैं, ही लिख देते हैं, ही थैंक्ड, थैंक की फुल थर्ड फॉर्म ही थैंक्ड मी, बस इतना कर देते हैं। ये आपका रूल है, ये पढ़ लीजिएगा कि सेट टू के स्थान पर कुछ नहीं लगाते, सेट टू हटा ही देते हैं पूरा, फिर जो आपका जो शिष्टाचार शब्द जो बोलते हैं उसको ऐड कर देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में, मतलब थैंक को थर्ड फॉर्म में चेंज करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म थैंक्ड होती है, फिर इसको मी लगा देंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अब ये कि आपको जैसे कि मैं एक सेकेंड रुकिएगा, ये चीज़ तो पहला आपका राइट हो गया, लेकिन ये भी चीज़ समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ही सेड गुड बाय, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा ही सेड टू मी गुड बाय, गुड बाय, ठीक है। उसने मतलब ये कि अब जैसे रिपोर्टेड स्पीच थी, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, उसमें अगर गुड बाय या सूचक कोई शब्द आता है, विदाई सूचक शब्द, तो उसमें क्या होता है, बेट का प्रयोग करते हैं सेट के स्थान पर, BADE सेट का प्रयोग, बेट का प्रयोग करते हैं। ये दो तीन इंपॉर्टेंट थे तो मैंने उनको भी ले लिए हैं, ठीक है। अब अगला ये है कि एक सेकेंड रुकिएगा, अब ये एक और छुपा है यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसमें भी, देखिए ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। अब ये गुड मॉर्निंग क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग आता है तो उसको हमेशा सेड टू के स्थान पर विस्ट का प्रयोग करते हैं। ये भी देखिए कॉन्सेप्ट था, इसको भी लिख लीजिएगा वैसे, ठीक है। चलिए अब ये कि अगला दिया गया आपका कहाँ तक हो गया, हाँ ये हो गया, सातवें का पहला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, इसमें लिख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। वी मेड हिम किंग, अब ये कि हिम को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ही लिखते हैं। अब यहाँ पे ही किस में, पहले में, दूसरे, चौथे में, ही से स्टार्ट होगा, इतना तो आपको पता चलेगा। ही के बाद क्या है, ही सिंगलर है तो वह आ जाएगा, देखिए मेड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो उसको हमेशा वाज वर्ब में चेंज करते हैं, और वाज आपका सिंगलर है, वर्ब प्लुरल होता है, सिंगलर यहाँ ही है तो वाज लगेगा, ही वाज होगा, तो दूसरा चौथे में कोई राइट ऑप्शन हो सकता है। अब ये बताइए कि जैसे, हाँ एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, मेड के बाद में एक्टिव पैसिव में मेड के साथ में बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट एक और लिख लीजिए, अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा, एक्सपेक्टेड के बाद में बाय का प्रयोग नहीं करते, एक्टिव पैसिव में ऑफ का प्रयोग करते हैं, ये भी आपका गलत हो गया, बाय नहीं लगेगा, ऑफ लगता है एक्सपेक्टेड के बाद में। जैसे कि आपको एक चीज़ और बता दें, तीस बस यही कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा नहीं है। और ये कि नो, जैसे नो की थर्ड फॉर्म, जैसे वो होता है ना, वो की थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगाते हैं यहाँ पे, तो नॉन लिख दिया। अब नॉन के बाद में आप सोचेंगे बाय लगाएंगे, जैसे एक्टिव पैसिव रूल होता है ना, बाय के बाद में लिखते हैं, नहीं बाय नहीं लगेगा, जैसे नो के बाद में टू का प्रयोग करते हैं, बाय नहीं लगता। जैसे कि यहाँ पे मेड के बाद में बाय का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मेड के बाद में बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, आठवें का यहाँ पे दूसरा राइट ऑप्शन है।
अगला है। सबसे पहली बात तो ये है, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट छुपा, मान यही पेपर के यही आपके पेपर में आ गया तो क्या होगा। देख इसमें ये है कि सबसे पहली बात तो ही बात होगा। अब ये कि जब जब कोई सेंटेंस जैसे दिया गया आई लेट हिम डांस, उसमें अगर लेट यदि बीच में दिया जाता है, अब ये कि शुरुआत में तो है नहीं कि आई की जगह में दिया हो या फिर सब्जेक्ट कार करे या सब्जेक्ट में दिया, पहले शब्द में तो दिया नहीं, ये बीच में जब दिया जाता है कहीं पर भी बीच में दे दिया जाए तो लेट के बाद में एक्टिव पैसिव का रूल ये होता है कि लेट के बाद में टू का प्रयोग कर देंगे। प्लीज़ आप कॉपी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेट के बाद टू किस में, केवल एक ही ऑप्शन में वैसे देखा जाए तो ही बाज, ठीक है। तो आप तो समझ गए होंगे तीसरा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मुझे पता है बहुत लोगों ने बाई लगाया होगा लोगों, लेकिन दोस्तों बाई नहीं लगे क्योंकि ये रूल है ना। अब देखिए यही पिछले साल पेपर में आया था, अब ये रूल आपको जिसे नहीं पता होगा, देखिए आप कोई टेंशन नहीं होगी। मैंने पिछले साल के आपको पिछले साल के बहुत सारे पेपर कराए, फिजिक्स के भी कराए हैं, मैथ के भी करा रहा हूँ, अब स्टार्ट कर रहे हैं मैथ के भी कराना स्टार्ट कर दिया, नैवे मार्क के भी कराए, काफ़ी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, रीजनिंग भी कराई है, मैथ भी कराए, इंग्लिश के काफ़ी एक्स के अलग कराए हैं, ग्रुप के वाई ग्रुप के अलग कराए, जाने कितने मैंने पढ़ा रहा। ये कि आप लोग वीडियो बिल्कुल मेरा देखते नहीं, लाइक भी नहीं करते, मतलब लाइक थोड़ा बहुत कर देते हैं, और ना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें ये कि प्लेलिस्ट कोई कोई चेक करते हैं पर कोई कोई नहीं चेक करते। ये क्या है कि सी वाज एन इंडियन ही ए फ्रेंच, पंचुएशन दी गई, तो इसका इसका क्या रूल, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जैसे दो चीज़ों को बोध होता है, जैसे कि मैं पहले वीडियो में ये बताया था, जैसे कि वाह खेलता है और वाह पढ़ता है, तो ये दो चीज़ों की अलग अलग दिशा है। ये वाह खेल रहा है उसकी अलग दिशा है, अलग कार है, वाह पढ़ रहा वो अलग काम, तो इस काम को अलग अलग दर्शाने के लिए कि हाँ वो खेल रहा है वो ये कर रहा है घूम रहा जो भी कर रहा है, तो इसमें ये होता है अलग अलग दर्शाने के लिए इसमें सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं। सेमी कॉलन ये होता है कॉमा ए बिन ए बिंदी लगा के वो कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये कि कॉमा ए सेमी कॉलन का, सेमी कॉलन वैसे ये होता है, ठीक है। तो आपका वैसे ये है और ये है, फिर इसके बाद में क्या कहता है, ये आपकी दूसरी क्लॉज है ही, ये पहली क्लॉज थी, ये दूसरी क्लॉज में हमेशा कॉमा लगता है, तो यहाँ पे ही में कॉमा लगेगा। अब वैसे भी आप समझ जाइएगा वह फ्रेंच है, ठीक है, वह एक फ्रेंच, ठीक है, तो वहाँ पे ही आपको अलग डोनोट करना पड़ेगा। वैसे भी दूसरी क्लॉज है, दूसरी क्लॉज का रूल होता है कि वहाँ पे पंचुएशन का कि कॉमा लगा के दर्शाते हैं। चलिए देखिए अगला है आपको रिमूव टू, इट इज टू लेट टू मैन, अब टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, सो लगाते हैं, पहला कॉन्सेप्ट ये था, ये पता भी होगा मुझे पता है, फिर भी आप जिसको नहीं पता हो या जिसने पहली बार थोड़ा पढ़ा हो तो उसको सबके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये कि नॉट नहीं दिया, जब नॉट नहीं, जब ये पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव बनाता है, ये नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव बनाता है, ये पॉजिटिव है नॉट नहीं दिया तो नेगेटिव बनाएंगे, कैन नॉट होगा, कैन नॉट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, एक ही ऑप्शन है, दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बस इतनी आपसे बस ये है कि आप थोड़ा वीडियो को स्लो करके देखिएगा बस, ठीक है, पूरा वीडियो समझ में आएगा, केवल स्लो करके देखिएगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट, इन सबको कॉन्सेप्ट को अगर लिखना है आपको, तो ये कि बिल्कुल धीरे धीरे देख देख के कॉपी में डाउनलोड करते जाइएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले साल का पेपर एक्स वाई बहुत दोनों के लिए, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब 12-13 नंबर क्वेश्चन में क्या, मैं टाइम देख लूँ आराम से, मुझे पढ़ाना वैसे भी कोई, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए एंड साइनोनिम पूछा गया, अब साइनोनिम जियो पार्टी माने क्या होता है ये पहले बताइए, जियो पार्टी माने होता है खतरा, यहाँ पे मैं चारों को डिस्कस करूँगा जल्दी जल्दी, आप लिखते जाइए क्यों, डेंजरस माने भी खतरा होता है, तो साइनोनिम यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेंजर, ठीक है। अब ये कि ग्रेटिफाई देख लीजिए, चलिए ग्रेटिफाई माने क्या होता है पहले बताइए, ग्रेटिफाई माने होता है घूस देना, ठीक है, या आनंद देना कह सकते हो, ठीक है। लुब्रोसियस माने क्या होता है, लुब्रोसियस माने क्या होता है बताइए जरा, तो लुब्रोसियस माने होता है चिकना, लेकिन सबको कॉपी नोट कर लीजिएगा। अनलॉफुल माने क्या होता है, गैर कानूनी, जो नियम के विरुद्ध हो या गैर कानूनी अवैध कह सकते हो, ठीक है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन है, वैसे राइट ऑप्शन ये है, ठीक है, हम इसमें टिक लगा देंगे जिसमें राइट ऑप्शन होगा। फटिग्यू माने क्या होता है, फटिग्यू माने क्या होता है, जो थका हो, थकावट या थकान से भरा हुआ या थका, तो एक्सहॉस्ट माने भी थका होता है, तो राइट ऑप्शन तो आपको दोस्तों देखिए दूसरा मैंने बता दिया। फॉरबिड माने होता है मना करना या रोकना, तो रोकना या मना करना मतलब डिनाई माने भी होता है, तो साइनोनिम मुझे। फिट माने क्या होता है, FIT, फिट माने उचित हो या उपयुक्त हो, ठीक है, उचित या उपयुक्त। पावरफुल माने शक्तिशाली, सिंपल था, पावरफुल माने शक्तिशाली होता है। अब 14-15 नंबर तक एंटोनियम है, ये लिखा भी, एंटोनियम मतलब विलोम शब्द होता है। ट्रैंक्विलिटी माने क्या होता है, ट्रैंक्विलिटी माने क्या होता है आपका ये बताना है आपको। देखिए ट्रैंक्विलिटी माने होता शांति, ठीक है, तो अब ये कि शांति है, अब दूसरा इसका क्या होगा पहले बताइए, सिंपल, इसमें कोई कठिन नहीं था वैसे। चलिए तो इसमें ये अडो, अडो माने क्या होता है, देखिए एक तरफ शांति है और एक तरफ हलचल है, समझ गए होंगे। राइट ऑप्शन तीसरा,
एग्जिट माने बाहर जाना, कॉन्टेम्प्ट माने क्या होता है, सी ओ एन टी ई एम टी, कॉन्टेम्प्ट माने होता है निंदा करना, तिरस्कार करना, अपमान करना, इंसल्ट करना, ठीक है। और ट्रायंगल माने त्रिकोण होता है, ठीक है। बीवेयर माने क्या होता है, 15 नंबर क्वेश्चन है। बीवेयर माने होता है सचेत, चौकस, चौकन्ना, सावधान कह सकते हो। तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा, इग्नोर, जो ध्यान व्यान ना दे, ठीक है, ध्यान ना देने वाला, ठीक है। चलिए, तो राइट ऑप्शन चौथा मैंने बता दिया। बीफॉल माने क्या होता है, बीफॉल माने होता है मूर्ख बनाना, फूल माने मूर्ख होता है, पुलिस माने भी मूर्ख होता है, मूर्ख बी लग गया तो फूल मूर्ख बनाना हो जाएगा। एसोसिएट माने क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसोसिएट माने होता है साथी, साथी या सहयोगी। बी फ्रेंड माने क्या होता है, मित्रवत, मित्रवत व्यवहार करना या मित्र, मित्र बनाना, बी फ्रेंड माने होता है। स्लिप्स ऑफ द मून, मून माने चांद, स्लिप्स माने होता है ग्रहण, चंद ग्रहण को क्या कहते हैं, लूनर कहते हैं। हाँ, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ लिखा नहीं तो मैं अच्छी तरह यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एल यू एन ए आर वाई, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, सब आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले साल का पेपर है पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि इनके कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा थे, तो मैंने इसको पहले से ही फोकस आपको कराने के लिए बार बार बोला था, बीच में ज़्यादा भी बोल गया बार बार कि कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसीलिए मैंने कहा था, ठीक है। चलिए, देखिए इसमें लिखा है सो माने क्या होता है, जूता होता है वैसे, तो अब इसको किस में चेंज करेंगे, देखिए इसको थोड़ा अलग तरीका, इसका वर्ब के सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म अलग है, वो इनके तीनों फॉर्म मैं बताता हूँ सो की, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड, सेकंड फॉर्म होती है पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं या पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। अब ये कि 17 का क्या होगा राइट ऑप्शन, देखिए राइट इसमें तो वो ऑप्शन तो दिए नहीं, इसमें ये है कि देखिए इसकी वो फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, सेकंड फॉर्म होती सोड, सो सोड, फिर सो वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी हाँ, तो ये कि सोड होगी, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म पूछा गया था ना, एस एच ओ डी होगा, और थर्ड फॉर्म तो वही सेम हो जाएगी फिर, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 18 नंबर है टू प्ले द डेविल विद, अब ये कि डेविल माने राक्षस कह सकते हो, दानव कह सकते हो, निशाचर कह सकते हो, उनके साथ आप खेल तो मतलब आपके लिए हानिकारक है, तो टू हार्म यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, 18 का दूसरा, टू हार्म मतलब हानिकारक हो। चलिए, अगला दिया गया नथिंग बट स्नो सीन, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए जरा। देखिए सबसे पहली बात तो नथिंग हो, एवरी वन हो, नन हो, ये सब जो एवरी वन, ये नन वन जो भी आते हैं इनके साथ में, इच एवरी, ये सब के साथ में हमेशा आपकी सिंगलर वर्ब आती है, हेल्पिंग और सिंगलर आती है, तो ये दोनों तो प्लूरल हैं, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन इसकी हिंदी पढ़ लीजिएगा उस हिसाब से ई जाएगा, इसकी हिंदी पढ़ लीजिएगा कि बर्फ के अलावा, सुनो माने बर्फ होता है, बर्फ के सिवा कह सकते हैं या बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिखा, ठीक है, तो कुछ नहीं दिखा, ये प्रेजेंट को शो करेगा, तो यहाँ पे इच का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम हैज हेडेज, हेडेज माने तो सिर दर्द या सर दर्द कह सकते हैं, एक ही बात है, सर दर्द कह दीजिएगा। देखिए हेडेज का हाथ से स्टार्ट हुआ, अब वॉवल, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, उच्चारण करिएगा प्रोनाउंसिएशन, तो इसका तो ए आएगा ना, ठीक है, तो ए आपका वैसे ए सेम दिया है पहले में राइट ऑप्शन, ठीक है। अब दूसरा वन शुड कीप अवे, तो इसका ये कि यहाँ पर आपको भरना क्या होगा, तो ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, अभी एक मिनट रुकिएगा। देखिए वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वन सेल्फ होता है, बस सिंपल से था। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। 16 मैंने क्वेश्चन लिए थे, अगर इन सबको नोट कर लीजिएगा, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा बार बार। हाँ, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वीडियो अच्छा तो लाइक ज़रूर करिएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा।